राख लई, गुरपुरे मेरी राख लई। हमें समझना पड़ेगा कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, क्योंकि हम सब अपनी अपनी लाइफ में इतने मस्त हो चुके हैं, इतने बिजी हो चुके हैं कि एक्चुअली में हम भूल चुके हैं कि हम लोग क्यों आए हैं इस दुनिया में। ठीक है, कभी अपने आप को साथ संगत जी कभी क्वेश्चन किया है कि बाहर हम कई सारे जानवर देखते हैं, यू नो, डॉग्स देखते हैं, कैट्स देखते हैं, काउज, बफेलोज, बहुत सारे जानवर देखते हैं, उनों की भी आँखें हैं, नाक है, कान है, उनों की भी सेंसेस है ना, बट वो बेचारे रोल रहे हैं बाहर, ना उनों का कोई घर होता है। ठीक है, कितनी बारी हम देखते हैं कोई बेचारे एनिमल्स इंजर्ड भी होते हैं पर कोई उनको पूछ नहीं रहा होता है ना। तो ऐसा क्या है कि वो उस तरह की ज़िंदगी जी रहा है वह जानवर, और हम इतनी मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, वाहेगुरु जी ने सब रिसोर्सेज दिए हैं, घर दिया है, ट्रांसपोर्ट दिया है, खाने के लिए अच्छा खाना दिया है, जब हम जो चीज़ चाहते हैं हम वो चीज़ खरीद सकते हैं, जब हमें जिस चीज़ की डिज़ायर होती है हम उसे पूरी कर सकते हैं, है ना। हमें सेंसेस दिए हैं, हमें हाथ पैर दिए हैं, ये बॉडी दी है। तो कभी साथ संगत ये सोचा है कि हमारा लाइफ में, हमारा इस धरती पे आने का पर्पस है कुछ कि नहीं? कई बार अपने आप से ये सवाल किया है कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, एम क्या है? ऑब्वियसली किया है, और सबके कोई ना कोई एम्स या गोल्स होते ही हैं, होते हैं ना साथ संगत जी, सबके गोल्स होते हैं। किसी ने बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट बनना है, किसी ने बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, किसी ने पायलट बनना है, एंड ऑल दैट। बट टेल मी वन थिंग, जब हम वो चीज़ पा लेते हैं ज़िंदगी में, तो क्या हम फॉरएवर हैप्पीनेस हमारी लाइफ में आ जाती है? फॉरएवर शांति, फॉरएवर सेटिस्फैक्शन, लेट मी यूज़ दिस वर्ड सेटिस्फैक्शन, हमेशा के लिए जब वो चीज़ हमें मिल गई ज़िंदगी में, तो हमेशा के लिए हमें फॉरएवर हैप्पीनेस या फॉरएवर सेटिस्फैक्शन मिल जाती है? नहीं मिलती। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है साध संगत जी, उसके पीछे रीज़न ये है कि हम सब ना, हमारे अंदर जोत है उस वाहेगुरु जी की। वाहेगुरु जी, अल्लाह, राम, अकाल पुरख, ये सब एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ किसी कम्युनिटी का भगवान और है, किसी कम्युनिटी का भगवान और है, भगवान एक है, और हम सब, वी ऑल आर वन ह्यूमन रेस एंड देयर इज ओनली वन गॉड। ठीक है, नाम अलग हैं, और वैसे भी उनों के वो एग्जैक्टली नाम नहीं है, जैसे मेरा नाम हरमनप्रीत सिंह है, उनों का नाम वाहेगुरु या अकाल पुरख नहीं है, वो उनों की उस्तत है। उस्तत मतलब उनों की प्रेज है। वाहेगुरु का मतलब होता है द लॉर्ड इज वंडरफुल, और गुरबाणी में गुरु महाराज बहुत बारी समझाते हैं कि तेरा अंत ना जाना मेरे लाल जियो। जो वाहेगुरु जी है ना, उनों की लिमिट हम लोग पहचान ही नहीं सकते, हम लोग जान ही नहीं सकते, उनों को पूरा का पूरा हम लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी क्या है कि हमारी मत बहुत छोटी हो जाती है, और वैसे भी जब हम दुनिया में रहते हैं मोह माया में घिर जाते हैं, ठीक है, तो हमारी सोच और ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो साध संगत जी ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ना वाहेगुरु जी से बिछड़ गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। और अगर हम वाहेगुरु जी के पास वापस नहीं जाएंगे ना इस दुनिया, मतलब इस ज़िंदगी में, इस देही रूप में, अगर हमें ये जो मनुखा जीवन मिला है, अगर हम इसमें वाहेगुरु जी से कनेक्ट नहीं करेंगे वापस, तो हम लोग जूनों में पड़ जाएंगे। 84 लाख जूने हैं, और वो 84 लाख जूने हैं ना साध संगत जी, उसमें हम वाहेगुरु जी से कनेक्ट नहीं कर सकते। ये बहुत ज़रूरी बात है, अगर पता है तो बहुत डरावनी बात है। अगर हम नाम नहीं जप रहे, अगर हम एफर्ट्स नहीं लगा रहे वाहेगुरु जी को मिलने का, उनों को देखने का, तो मतलब है कि हम लोग अपनी लाइफ बिल्कुल ढीले में ले रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं हम लोग अपनी लाइफ। गुरु महाराज वाणी में भी यही समझाते हैं। तो आज का जो टॉपिक हम पिछले 3 हफ्तों से कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ पर्पज़ ऑफ लाइफ, कि हमारा पर्पज़ क्या है। गुरु महाराज वाणी में मैं क्विकली 1 मिनट लूँगा बेस बनाने के लिए। गुरु महाराज वाणी में कहते हैं, पही परापन मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। तो जो ये हमें ज़िंदगी मिली है, वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं। अगर हम लोगों ने अपने मनुखा जीवन में वाहेगुरु जी को नहीं प्राप्त किया, वाहेगुरु जी को नहीं मिले,
तो हम लोग 84 लाख जूनों में पड़ जाएंगे, और 84 लाख जूने कंप्लीट करने में हजारों साल लगते हैं, लाखों साल लगते हैं या करोड़ों साल लगते हैं, हमें नहीं पता। ठीक है, तो साथ संगत जी आज का टॉपिक यही है, पर्पज़ ऑफ लाइफ। हमें वाहिगुरु जी से मिलना है और उनसे कनेक्ट करने के लिए हमें नाम सिमरन करना है, अच्छे कर्म करने हैं, अच्छा इंसान बनना है, डिसिप्लिन में रहना है, धर्म में रहना है और वाहिगुरु जी के हुक्म में रहना है। ठीक है साथ संगत जी।